35 आज के लेक्चर में चैप्टर 10 और 11 के क्वेश्चंस जो पिछले दो तीन दिन से पेंडिंग थे, आपके टर्म टेस्ट की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था हमें, आज उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि किन केसेस में वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होगी, फिर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पटिशन फाइल कर सकता है कोर्ट में वाइंडिंग अप के लिए। अब जाहिर है जब पटिशन कोर्ट के पास पहुंच गई, कोर्ट ने क्या फैसला करना है, वाइंड अप किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। और अगर वाइंड अप किया जाए तो कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी अपॉइंट करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट पे बेस कर रहा है। आज का हमारा लेक्चर किस पे बेस कर रहा है, ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट पे। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, जो कि हुआ ही नहीं। कल कौन सी कोई नई चीज पढ़ी थी, कोई चीज नहीं, कल तो हमने टाइम जाया किया था, आपने करवाया था आपने टाइम जाया, नहीं कोई कंसर्न अगला पान दिया था। स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। जी शाबाश, पूछिए। वाइंडिंग अप में पॉइंट्स है दो, कंजक्टिव फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपने फाइल नहीं की तो वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो सकता है, बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे रजिस्ट्रार के अलावा एससीसीपी के साथ भी करते हैं, लेकिन उसने रजिस्ट्रार को कहा हुआ सिर्फ इसलिए कि अगर रजिस्ट्रार को फाइल कर दी तो मतलब बना ली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एससीसीपी को भी फाइल कर दी होगी, और अगर रजिस्ट्रार को फाइल नहीं की तो एससीसीपी को भी नहीं की होगी, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास वो कंफर्म है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाना, बाकियों के पास कभी करवाते कभी नहीं करवाते, इसलिए उसने जो रूल बनाया उसमें रजिस्ट्रार को सामने रखा, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और कौन कौन सी चीजें दो कंसेक्यूटिव सालों के लिए सबमिट ना करवाए तो वाइंडिंग अप हो सकती है, एनुअल रिटर्न और स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न दो कंसेक्यूटिव, और अगर स्टैच्यूटरी रिपोर्ट भी सबमिट ना करवाई जाए, लेकिन सब स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के साथ कंसेक्यूटिव ईयर नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने केस स्टडी की तरफ। यह है केस स्टडी लेटेस्ट स्प्रिंग 23 की, ठीक है, तो इसको आपने अटेंटिव होके सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे बताइए, हम चैप्टर 10 और 11 की केस स्टडीज कर रहे हैं, चैप्टर 10 किससे रिलेट करता है, इन्वेस्टमेंट और अकाउंट्स से, किससे रिलेट करता है, इन्वेस्टमेंट और अकाउंट से, डिस्क्लोजर से, श्योर बचिए, शाबाश, इन्वेस्टमेंट से और डिस्क्लोजर, शाबाश। और इन्वेस्टमेंट पे हमने क्या डिसाइड करना होता है, पहले रिलेशनशिप, फिर उसके बाद कंडीशंस, याद है पहले रिलेशनशिप एसोसिएटेड है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट को मिक्स कर देता है, रिलेटेड पार्टी को, क्यों करता है, उसकी रीजन क्या है, दो दिन तुमने टाइम जाया कराया मेरा, आज मत छोड़ो। तो जो रिलेटेड पार्टी, क्योंकि जितने भी एसोसिएटेड कंपनीज हैं वो रिलेटेड पार्टी में है, ऐसा तो हो सकता है कि कोई रिलेटेड पार्टी हो और एसोसिएटेड ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टी, इसका मतलब यह हुआ जिस पे एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट आ गया उस पे रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट भी अप्लाई होगा। आपने रिक्वायरमेंट को ध्यान से देख लेना है, रिक्वायरमेंट, हाँ बिल्कुल, अगर वो सिर्फ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है तो सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है तो डायरेक्टर्स की बात भी करनी पड़ेगी, डायरेक्टर्स की बात भी करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कंपनी ए है, कंपनी बी है, वार्म अप एक्सरसाइज करा रहा हूं इधर चलने से पहले, क्योंकि ये कंसेप्ट यूज होने हैं। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए का डायरेक्टर, कंपनी बी में भी डायरेक्टर है, शाबाश, कंपनी ए का डायरेक्टर बी में चीफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएटेड, कंपनी ए का डायरेक्टर कंपनी बी में उसकी स्पाउस डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है, कंपनी ए में डायरेक्टर है कंपनी बी में उसकी स्पाउस चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्या एसोसिएटेड कंपनीज है, नहीं है, लेकिन रिलेटेड पार्टी है, क्लियर, रिलेटेड पार्टी है। अच्छा, इसके बाद आगे चले, कंपनी ए में उसके पास 20% शेयर्स हैं, बी में भी 20% शेयर्स है, कंपनी ए में डायरेक्टर दूसरी कंपनी में 20% शेयर्स, कंपनी ए में डायरेक्टर कंपनी बी में 7% शेयर्स, नो एसोसिएटेड नहीं है, रिलेटेड पार्टी है, शाबाश भाई, ये समझ आ रहा फर्क आपको, यानी जब एसोसिएटेड कंपनी होगी तो रिलेटेड भी जरूर होगी, लेकिन जब एसोसिएटेड नहीं है तो हो सकता है रिलेटेड हो, क्योंकि चलते चलते आप हो सकता है किसी कंसर्न में सिर्फ एसोसिएटेड का डिस्कस कर दे, रिलेटेड पार्टी भूल जाए,
आपको तरीका वारदात आई कि आपने नया बताया ना जो उसने नया इजाद किया है। एक केस स्टडी के अंदर बाजुकात दो सिचुएशंस इंक्लूड कर देता है जिसमें एक हम डिस्कस कर जाते हैं और एक डिस्कस नहीं कर। एक जगह पे तो मैं भी मार खा गया क्योंकि जो दूसरी चीज थी ना वो बड़ी पुरानी थी। अब आपने मुझे बताना है किस केस स्टडी में मैंने मार खाई, इस गलती किस गलती की वजह से कि एक केस स्टडी के अंदर दो सिचुएशंस को डिस्कस कर देता है या मल्टीपल सिचुएशंस, नॉर्मली दो। स्टार्ट करें जी इसको। कह रहा है बशीर जमान एंड हिज टू ब्रदर्स नदीम एंड फहीम आर द ओनली शेयर होल्डर्स ऑफ नाकिन टायर लिमिटेड होल्डिंग 20 मिलियन 35 मिलियन एंड 45 मिलियन शेयर्स रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो इसकी परसेंटेज अगर हो सके तो लिख दे क्योंकि हमने जो डिसीजंस करते हैं वो परसेंटेजेस की बेसिस पे करते हैं। बाकियों को गोली मारे हमें बशीर से गर्ज है। बशीर भाई की परसेंटेज कैलकुलेट करें कितनी है। 20% ठीक। 20% में सोसाइटी का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए, 20% से ज्यादा होना चाहिए, 20% में भी हो जाता है ठीक है। 20% में सोसाइटी तो बन जाती है लेकिन 50% में सब्सिडरी नहीं बनती। याद रखा जाए। आगे चलते हैं जी। बशीर जमान सो होल्ड्स 2 मिलियन शेयर्स इन एक्सिस रबर प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट को अंडरलाइन कर देना है प्राइवेट, क्योंकि कुछ कंसेप्ट प्राइवेट पे अप्लाई नहीं होते। क्या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी की जो कंडीशन थी वो प्राइवेट कंपनी ने फॉलो करनी है नहीं करनी? ये तो आसान सवाल था। अगला सवाल, रिलेटेड पार्टीज की रिक्वायरमेंट्स प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई होती हैं कि नहीं? पक्का रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल करेंगे अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आर्म लेंथ बेसिस नहीं है। ये रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी के लिए भी है। शाबाश, तो नोट कर ले फिर। मुझे कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे अप्लाई होता है? सिर्फ पब्लिक पे? और रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट दोनों पे होता है? तो लिख ले फिर, रिलेटेड पार्टी कंसेप्ट अप्लाइज ऑन ऑल कंपनी बट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अप्लाइज ओनली ऑन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ठीक है। ये वो रूल्स है जो बहुत सी केस स्टडी करने के बाद बनते हैं। क्या मैं खुद भूल गया? रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई ऑन ऑल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी कंसेप्ट अप्लाइज ऑन पब्लिक कंपनीज। आगे चले, ये आगे प्राइवेट कंपनी। बशीर भाई के एक्सिस रबर लिमिटेड में भी शेयर थे, अदर शेयर होल्डर्स कौन से हैं उस एक्सिस वाली कंपनी, दूसरी कंपनी के प्राइवेट कंपनी वाले? वो है ताहिर, हिज डॉटर नासिरा एंड हिज माइनर सन रऊफ, हु रिस्पेक्टिवली होल्ड 8 मिलियन 37 मिलियन एंड 3 मिलियन शेयर्स। ताहिर साहब ने कि अपने पास 3 मिलियन है, नासिरा 37 ठीक है, तो टोटल कितने हो गए इनके? टोटल एक्सिस रबर प्राइवेट लिमिटेड कितने शेयर हो गए? 8 और 3 क्या? हाँ, 2 ऊपर भी है। शाबाश, ठीक है ठीक है ठीक है, छोटी सी पहेली थी, कोई बात नहीं, बूझ लिया आपने। 2 ऊपर भी हैं, बशीर भाई के पास भी 2 हैं, 48 and 50। इन द लेटेस्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ताहिर एंड नासिरा वर रीइलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ ARL। वो ARL के डायरेक्टर्स हैं, इधर ये डायरेक्टर्स हैं, ये दोनों फैमिली ओन्ड कंपनीज हैं, इधर ये 2 डायरेक्टर बाप बेटे, उधर भाई। और ये सारा केस क्रिएट हुआ इस एक लाइन की वजह से। ऑन 26 और 23 बशीर जमान गॉट मैरिड टू नासिरा। चले ताहिर भाई मुबारक हो आपको, खुश हो रहे थे ना ताहिर भाई को ही, और आप आराम थोड़ी ताहिर वैसे ना करे यार। अच्छा, तो बशीर जमान गॉट मैरिड टू नासिरा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इसका हमारे क्वेश्चन पे क्या इंपैक्ट पड़ा? दो कंपनीज का आपस में रिलेशनशिप बन रहा है, क्या दोनों एसोसिएटेड हो गई? शाबाश शाबाश। ताहिर से मैं शादी हुई है, ताहिर की बात नहीं की, वो तो मैंने ताहिर को मुबारकबाद दी थी, उसकी बेटी की शादी हुई है, कन्यादान किया उसने ऐसे। ताहिर से बशीर की ताहिर कैसे हो सकते? कलमा पढ़ लेना घर जाके दोबारा। तो
तो क्या दोनों इसमें सबसे बड़ा अहम किसान, क्या दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं? कैसे पता चला? नहीं है, मैं देखो कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से एसोसिएटेड होती है, कॉमन डायरेक्टरशिप नहीं है, ठीक है, क्योंकि बशीर इधर डायरेक्टर है उधर नहीं, नासरा उधर डायरेक्टर है इधर नहीं। लेकिन एक और कंसर्ट भी था, एक डायरेक्टर दूसरी कंपनी में अगर शेयर होल्डर हो 20%, अब हमने देखना है अगर बशीर भाई के प्राइवेट कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर, तो सर क्या 20% ज्यादा शेयर हैं? एक आगे मार, 20% से ज्यादा शेयर हैं, उसको मिला के ठीक है। तो इसीलिए चूंकि वो शेयर होल्डिंग स्पाउस और माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स हो तो क्या परसेंटेज में ऐड होते हैं? यस ऐड होते हैं। तो अब बशीर के पास शेयर होल्डिंग 2 मिलियन की नहीं है बल्कि 2+37 39 मिलियन की है। अब करें कैलकुलेशन, 88% बन जाता है या 78% बन जाता है? 7। तो वो 20 पर तो एसोसिएटेड बन गई कि नहीं बन गई? अब याद रखे इन दोनों कंपनीज का रिलेशनशिप एसोसिएटेड का भी है, रिलेटेड पार्टी का भी है। अगर इस केस में नासिरा के पास सिर्फ 1 मिलियन शेयर होते AXL के, 1 मिलियन ARL जो भी है, 1 मिलियन शेयर होते तो फिर एसोसिएटेड का रिलेशनशिप ना बनता, रिलेटेड पार्टी का बन जाता। इसमें तसल्ली कर देखे, इसके बाद वाला कंसेप्ट आसान है, ये रिलेशनशिप डिसाइड करना ही अहम कंसेप्ट होता है, बाद में तो रिप्रोडक्शन शुरू हो जाती है। पहले बताया यहां तक सारी डिस्कशन एनालिसिस पे एग्री करते हैं कि अब जो पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है ये दोनों एसोसिएटेड भी हैं, रिलेटेड। अब अगला सवाल, हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, एसोसिएटेड के रिलेटेड के दोनों? ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट। आगे चलते हैं, यहां तक बहरहाल हम इस नतीजे पे पहुंच गए। इस सारे ऊपर दोनों पैराग्राफ का क्रक्स क्या है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों एसोसिएटेड भी है, रिलेटेड पार्टी भी है। फिर ऑन 10 मार्च 2023 यानी उसके बाद, द फॉलोइंग प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ NTL एंड ARL, दोनों के बोर्ड ये प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं। ग्रांट ऑफ ए लोन ऑफ ₹50 मिलियन बाय NTL टू ARL, द लोन विल बी रीपेबल ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। कौन सी सेशन बनी? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो चले बन गई, लेकिन उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, उसमें भी लोन वाला कंसेप्ट है। तो इसके साथ लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी और वो भी लोन वाला कंसेप्ट, क्लियर? दूसरा, अच्छा कौन सी कंपनी किसमें कर रही है इन्वेस्टमेंट? पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसीलिए ये कंडीशन अप्लाई होंगी। अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कर रही होती फिर मसला नहीं था, तो पब्लिक कंपनी में कंसेप्ट अप्लाई होता है, पिक कर रहे हैं बात को। दूसरा, अच्छा तो ये वाला जो क्वेश्चन आपने आंसर करना है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी यानी NTL के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ARL के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पब्लिक कंपनी में कंसेप्ट अप्लाई होता है, प्राइवेट पे अप्लाई नहीं होता, ठीक हो गया? तो कैसे करेंगे? कंडीशन पहले साबित कर दिया हमने एसोसिएटेड कंपनी है, फिर उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन, और फिर उसके बाद इफ लोन है, उसके बाद सारी चीजें, ठीक है? वो कंडीशन, लोन वाली कंडीशन भी लिख देंगे, क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया प्रपोजल। अगले प्रपोजल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स बाय ARL टू NTL ऑन स्पेशल क्रेडिट टर्म्स ऑफ 6 मंथ्स। ये सेल कर रहे हैं स्पेशल क्रेडिट टर्म्स पे। अब बताइए इस पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा? रिलेटेड पार्टी का, ठीक है? रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा ना, दोनों पार्टीज दोनों कंपनी के लिए रेलिवेंट है कि सिर्फ पब्लिक के लिए? दोनों कंपनी के लिए, दोनों का। लेकिन पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है, एक है अप्रूवल बाय कंपनी बोर्ड, वो कंसर्न दोनों के लिए सेम है, लेकिन डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिफरेंट है। पब्लिक कंपनी के केस में यह ट्रांजैक्शन चूंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूव होगी एज पर पॉलिसी ऑफ द बोर्ड, ठीक है? और प्राइवेट कंपनी की बोर्ड मीटिंग में भी यह अप्रूव होगी एज पर पॉलिसी ऑफ बोर्ड, क्लियर? अच्छा उसमें तो एक कंसर्न में ज्यादा का लिखा हुआ था कि अगर रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन है ना उसमें बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो यहां पे क्वेश्चन में कहीं पता चल रहा है रूटीन है कि नहीं? स्पेशल का लफ्ज अंडरलाइन करें, स्पेशल के लफ्ज से हमें पता चल रहा है
ये नॉर्मल, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड है एज पर पॉलिसी। तो दोनों कंपनी में पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में जाएगी, वहां पे अप्रूव होगी। अगला पॉइंट, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? बिल्कुल डिस्क्लोज करें। इधर बशीर भाई डिस्क्लोज करेंगे पब्लिक कंपनी के बोर्ड को कि सर मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। उधर से जो नासरा बहन है वो मीटिंग में डिस्क्लोज करेंगी बोर्ड मीटिंग में प्राइवेट कंपनी कि मैं इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हूं। फिर उसके बाद जो पाबंदियां हैं वो सिर्फ बशीर पे लगेंगी कि उसने डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, वोट नहीं करना, कोरम के लिए काउंट नहीं होगा अगर वोट किया तो। क्यों भला? क्योंकि पब्लिक कंपनी है, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए थी। कुछ बात समझ आई? तो ये बहुत क्लासिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर ले। ये कैसे अच्छा क्वेश्चन है? इसमें उसने एसोसिएटेड का कंसेप्ट भी डिस्कस किया, रिलेटेड का भी डिस्कस किया, फिर इसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट भी टेस्ट किया और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का भी किया। तो ये अच्छा, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी दैट एडवाइज द बोर्ड्स ऑफ एनटीएल एंड एआरएल द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद बिफोर इंप्लीमेंटिंग द अबव प्रपोजल। देखिए बोर्ड को अंडरलाइन करें, कह रहा है बोर्ड की जो जो जिम्मेदारियां हैं, तो इसका मतलब जो कंपनी ने कलेक्टिवली जिम्मेदारी पूरी करनी है वो भी लिखेंगे, और जो बोर्ड की डायरेक्टर्स की अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्क्लोज वगैरह करने की वो भी लिखेंगे। सबसे अहम पॉइंट इस कंसेप्ट में यही था कि क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है या डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्कस करनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक दो दिन के बाद दोबारा जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब पिछले वाला भूल जाएं, बशीर भाई को भूल जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करनी है, प्राइवेट क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में देखिए उसने कहा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवाइज द बोर्ड्स ऑफ एनटीएल एंड एआरएल, एनटीएल एंड, तो दोनों के बोर्ड को डिस्कस करना है। हाँ, वो जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाला केस है, ये वाला केस, इसमें पब्लिक कंपनी के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइवेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। हाँ, वो छह की छह लिखेंगे, सारी छह की छह लिखे, क्यों भला? लोन है ये चीज, शाबाश भाई ने भी कहा। चेरी लिमिटेड सीएल इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑन 15 अगस्त 2022 असलम वन ऑफ द डायरेक्टर विद द कंसेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सीएल विद तमीर लिमिटेड टीएल एज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर इन पंजाब। ठीक है, तो नहीं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लफज क्या है? तमारिंद, तमरिंद, तमरिंद, ठीक है, गूगल कर ले टीएल एज। अच्छा देखे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ने किसी एक पर्सन को कहा जैसे डायरेक्टर के साथ मिलके, क्योंकि कंपनी के बिहाफ में या चीफ एग्जीक्यूटिव ने ट्रांजैक्शन करनी है या डायरेक्टर ने करनी है, मेरा भी सलाम कहना भाई, या चीफ एग्जीक्यूटिव ने करनी है ट्रांजैक्शन या डायरेक्टर्स ने करनी है, भाई ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम इसके बाद, स्पाउस ऑफ असलम यानी स्पाउस होल्ड 5% शेयर्स इन टीएल। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई। फिर इसके बाद अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एडवाइज ऑन द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन सीएल एंड टीएल एंड द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच मे अराइज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला बड़ा इशू क्या है? हम लिखेंगे ये रिलेटेड पार्टियां साबित कर देंगे क्योंकि इनका डायरेक्टर और स्पाउस के शेयर है, रिलेटेड पार्टी साबित हो गई। फिर हमने कहना है रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, ये अप्रूव होना चाहिए एज पर बोर्ड पॉलिसी। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है ऑथोराइज करने वाला? क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करने की पावर चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है? यहां पे देखें, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को कौन अप्रूव कर रहा है? चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ना ही कोई अकेला डायरेक्टर इसको कर, बोर्ड कर सकता है। अकेला डायरेक्टर और चीज है, बोर्ड और चीज है, ठीक है जी। तो हाँ जी, फिर अच्छा, फिर इसके बाद तो इसका अभी अभी ये कौन सा कंसेप्ट आया? अभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हो गया, ये कौन सा कंसेप्ट आया?
कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अप्रूवल, इसका स्टेटस क्या याद है? ये वॉइडेबल है, ये 90 डेज में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव कर दे तो ठीक, वरना वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव नहीं करते तो रेलिवेंट पर्सन इंडेमनीफाई करेंगे, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव और असलम डायरेक्टर है। और इंडेमनीफाई करने के साथ साथ एक और जिम्मेदारी भी है, पेनल्टी भी है। पेनल्टी पता है कौन सी वाली है? लिस्टेड है तो लेवल 3 साल की इंप्रिजनमेंट, कैद, कैद कह रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डायरेक्टर की बजाय किसी और ने अप्रूवल दे दी, उसको कैद हो जाएगी 3 साल तक की कैद, 5 मिलियन का फाइन भी। ये बहुत शाबाश भाई, क्लियर हो गया। इसमें मेन कंसेप्ट क्या था? इसमें मेन कंसेप्ट था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के बगैर अप्रूवल किसी और ने दे दी, डायरेक्टर की बजाय अप्रूवल किसी और ने दे दी, तो ये हमारा कंसेप्ट वायलेशन का है। पेनल्टीज में दोनों, हाँ इफ लिस्टेड और इफ, हाँ बिल्कुल दोनों लिखे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, दोनों लिखेंगे। तो मेन इशू क्या है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम बड़ी क्या है के रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन हुई और अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं किसी और ने दी। हाँ जी जी, इसमें डायरेक्टर्स इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी आता है, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, एडवाइस ऑन द, हाँ वो पूछ नहीं रहा, रिक्वायरमेंट में देखिए क्या कह रहा है, एडवाइस ऑन द इन्फोर्सबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। ठीक है, नॉन कंप्लायंस की वजह से बोर्ड कंपनी लायबल नहीं होगी, वही इंडेमनीफाई करेंगे। तो इसमें कंसेप्ट, इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन में नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, पूछा ही नहीं, बाकी क्या करना है। ब्लश पाकिस्तान लिमिटेड बीपीएल इज ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी मैनेज्ड बाय आइवरी प्राइवेट लिमिटेड आईपीएल। बीपीएल हैज बीन यूजिंग स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक कंपनी दूसरी को मैनेज कर रही हो तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी सब्सिडरी है, अंडर कंट्रोल। इन ऑर्डर टू मेट इट्स फ्यूचर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, बीपीएल इज कंसीडरिंग टू ग्रांट एन इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years टू इट्स सोल सप्लायर जेड पैकेजिंग लिमिटेड जेपीएल फॉर एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो क्या प्रॉब्लम है बीपीएल भाई, आईपीएल और बीपीएल का रिलेशनशिप है होल्डिंग सब्सिडरी का, लेकिन जेपीएल तो एक्स्ट्रा पार्टी है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहां से आया, आईपीएल इज आल्सो जेपीएल इज आल्सो मैनेज बाय, यानी ऊपर आईपीएल है, इधर बीपीएल और इधर जेपीएल, और बीपीएल और जेपीएल के दरमियान में ट्रांजैक्शन है, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट आर कंट्रोल, तो इसलिए एसोसिएटेड का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी बन गई, ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन है ये क्या हो गया, फॉर 2 years इन्वेस्टमेंट इन। अब जब आपने ये रिलेशनशिप बता दिया, ट्रांजैक्शन बता दी, इसके बाद का केस स्टडी सारी रिप्रोडक्शन की आ गई, कि वो कंडीशन बतानी है, बाकी सारा रिप्रोडक्शन डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद बाय बीपीएल विद रिस्पेक्ट टू द अबव लोन। बीपीएल देख लें, हाँ बिल्कुल पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट मैं देख रहा हूँ, प्राइवेट तो नहीं है, प्राइवेट होती अगर इन्वेस्टिंग कंपनी तो फिर ये क्लियर। 6 कंडीशन लोन वाली भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखें लोन वाली, लिखे लोन है बताया हुआ उसने। नेक्स्ट, फिदा रहमान हैज बीन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गोल्डन इंडस्ट्री लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी। 9 नवंबर 2021 ऑन बिहाफ ऑफ जीआईएल मैनेजमेंट, फिदा रहमान एंटर्ड इनटू ए 2 year कॉन्ट्रैक्ट विद कैरोल प्राइवेट लिमिटेड सीपीएल फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 15 डेज क्रेडिट। तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, चीफ एग्जीक्यूटिव ने जाकर कंपनी खुद जाकर थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे, तो ये जीआईएल के बिहाफ पे फिदा रहमान ने सीपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल ट्विस्ट कहां से आया, यहां से आता होता है, कहां ऑन 7 मार्च 2022 फिदा रहमान फादर रिक्वायर्ड 12% शेयर इन सीपीएल। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी डायरेक्टर ही है, चीफ डायरेक्टर ही है, डायरेक्टर के दूसरी कंपनी में 12%, क्या एसोसिएटेड कंपनी है, रिलेटेड पार्टी है, डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है, लेकिन बाद में है।
रिलेटेड पार्टी भी है, डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी है। अब हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से ये जज करना है कि हम इसको रिलेटेड पार्टी की तरफ लेके जाएंगे, डायरेक्टर इंटरेस्ट की तरफ लेके, या दोनों। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताएगी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट वी शैल ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ फिदा रहमान, कंपनी के फिदा रहमान, इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव फॉर द एंटायर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, किस तरफ जाना है? डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की तरफ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी की तरफ क्यों नहीं जाना? क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं। रिलेटेड पार्टी की तरफ क्यों नहीं जाना? कंपनी की बात नहीं हो रही। और दूसरी एक रीजन ये भी है कि ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है, वो तो जब ट्रांजैक्शन से पहले अप्रूवल करते हैं रिलेटेड पार्टी की, ये तो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ट्रांजैक्शन के बाद इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गए सारे कंसेप्ट कौन सा डिस्क्लोजर। अच्छा, मेरा कहना यह है कि इसमें डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ट्रांजैक्शन, मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त ट्रांजैक्शन हुई, इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं था ट्रांजैक्शन। एक मिनट, आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि लोन पहले दिया और एसोसिएटेड कंपनी बाद में बनी, तो वो इन्वेस्टमेंट सोसाइटी कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा? नहीं होगा ना, ये कह रहे हैं आप? मुझे जनरल बात कर रहा हूं कि अगर पहले लोन दिया बाद में एसोसिएटेड कंपनी बनी, कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर पहले ट्रांजैक्शन हुई बाद में रिलेटेड पार्टी बनी, कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इस नहीं होगा भाई, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप तीनों कंसेप्ट्स को आपके सामने रखना चाह रहा हूं, डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब यस नो। पहले ट्रांजैक्शन बाद में इन्वेस्टमेंट हुई, कंसेप्ट अप्लाई होगा? पहले ट्रांजैक्शन बाद में रिलेटेड पार्टी बनी, कंसेप्ट अप्लाई होगा? पहले ट्रांजैक्शन बाद में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, ये अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसने क्लियरली कहा है कि अगर इंटरेस्ट बाद में क्रिएट हुआ ना, तो अभी डिस्क्लोज करना है इन दी वेरी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, इन दी। तो ये फिदा रहमान की रिस्पांसिबिलिटी है क्या? बताए कि अब इसमें इंटरेस्टेड है, और बताने का तरीका कार क्या है? स्पेसिफिक नोटिस, हर ट्रांजैक्शन पे लगा था नोटिस, यहाँ जनरल नोटिस, एक दफा नोटिस दे दे जो पूरे गलत फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कब रिन्यू करना है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद के पहले, इन द लास्ट मंथ। शाबाश, ये भाई तैयारी करके आया, शाबाश, लास्ट मंथ, क्लियर। तो यहां पहुंचे, अब ये ध्यान से लिख ले बार बार, ये जहां पे जगह, ये तीन कंसेप्ट है, ध्यान से फैसला करना है कि कौन कौन सा या कौन कौन सा अप्लाई होता है, कौन सा, कौन कौन से तीन कंसेप्ट है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, रिलेटेड पार्टी, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। कि जब रिलेटेड पार्टीज हो जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन ये रिलेटेड पार्टी बनने के बाद, पहले नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बाइंडिंग वाले चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन फाइव था, हाँ क्वेश्चन फाइव था, वो तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, सिलेबस खत्म कर रहा, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं ना। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज बता, कॉमन सेंस इस्तेमाल करके, सिलेबस जल्दी खत्म करने में उस्ताद इजी होगा कि उसे कोई टेंशन होगी? देखो क्या टेंशन है, आप लोगों को बुला के या मुझे कोई सुकून मिलता है, मेरी आत्मा को शांति मिलती है आप जब बारिश में आ रहे होते हैं, क्या था? कुछ भी नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा तो हाँ, क्वेश्चन फाइव, ए क्रेडिटर फाइल्ड पिटीशन फॉर बाइंडिंग अप ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड टू द कोर्ट 24 फरवरी को बाइंडिंग अप पिटीशन फाइल की, किसने? क्रेडिटर ने। क्या क्रेडिटर पिटीशन फाइल कर सकता है? कर सकता है। कंडीशन क्या है मेरा भाई बताएगा? मेजर होना चाहिए, और अगर माइनर है, 2-2.5 साल की उम्र का मेजर, तो माइनर है अगर, उसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। खुदा का खौफ कर भाई, कभी याद करेगा तो घर ये क्या कहते हैं, सीए करने जा रहे हैं। तो क्रेडिटर ने फाइल कर दिया 24 फरवरी को, कोर्ट अपॉइंटेड प्रोविजनल मैनेजर कंटिन्यूड विद हियरिंग ऑफ पिटीशन, कोर्ट ने केस जारी रखा, 30 मार्च को ऑर्डर पास किया वाइंडिंग अप का, और ऑफिशियल लिक्विडेटर बाइंड किया। व्हाट इज कमेंसमेंट डेट ऑफ वाइंडिंग अप? जिस दिन ऑर्डर पास किया, जिस दिन पिटीशन फाइल हुई, शाबाश, 24 फरवरी। सर ये केस हुआ बस
हाँ बट ठीक है, इसकी रीजन है वो भी आज के लेक्चर में बताता हूँ क्यों कोर्ट ने ये कहा कि जैसे ही हमारे पास पिटीशन आएगी, फर्ज कीजिए कि कुछ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, फर्ज कीजिए कुछ डायरेक्टर्स हैं और वो कोई मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। अब इस मिस अप्रोप्रिएशन की वजह से क्रेडिटर को खतरा है कि सारे एसेट बेच बूझ देंगे तो हमने लोन दिया हमें रिकवरी नहीं हो पाएगी, वो कोर्ट के पास जाके अपील करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या कोर्ट उनको ये कहेगा कि अच्छा ठीक है एप्लीकेशन आपकी आ गई, ऑर्डर का इंतजार करें, जब बाइंडिंग ऑर्डर पास होगा ना तब मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करूंगा। उस अरसे के दौरान में क्रेडिटर कहेंगे सर जी महीना डेढ़ महीना लग जाएगा ऑर्डर पास करते हुए, उस अरसे में तो बचे खुचे एसेट भी ये डायरेक्टर प्लस शेयर होल्डर जो है ये बेच के निकल जाएंगे, तब बाइंडिंग का ऑर्डर पास कर भी दिया हमारे किसी का कंपनी खाली होगी। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एक और ऑप्शन होती है कोर्ट के पास, प्रोविजनल मैनेजर, नाम से जाहिर है आरजी, आरजी मैनेजर, प्रोविजनल मैनेजर को कोर्ट अपॉइंट कर दे। कोर्ट कहता है डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर सारे घर चले जाओ, तुम लोगों की जगह प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट होगा, वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेगा जब तक बाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास नहीं होता। अब अगर डेढ़ महीने बाद बाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास ना हो तो फिर वो सिक्योरिटी जब्त कर लेंगे क्रेडिटर की, तंग किया तूने, और डायरेक्टर्स को रिस्टोर कर दिया जाएगा। और अगर बाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास हो जाता है तो फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा, यानी प्रोविजनल के बजाय कंफर्म। वो याद रखे वो वही प्रोविजनल मैनेजर भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, ठीक है। इसीलिए रिस्क होता है, इसीलिए जो जैसे ही एप्लीकेशन कोर्ट के पास फौरन उसकी पावर टू अपॉइंट प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अराइज हो जाती है, ताकि डायरेक्टर्स को दो नंबरी करने का टाइम ना मिल सके। क्लियर हो गया? आज हम सीखने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या है ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, जो कि अपॉइंट करना है कोर्ट ने। उसका मकसद क्या है, उसका मकसद क्या है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर के कंपनी के सारे एसेट्स को बेचे और लाइबिलिटीज को सेटल करे। भाई ये ऊपर करा दे भाई, मैं मारना हो जाए फ्लोस का ऊपर करा। क्लियर? अच्छा आप देखें अपॉइंटमेंट एंड पावर, जरा छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ईजी है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अपॉइंटमेंट कब होगी, कौन करेगा ऑफिशियल? कह रहे ऑन रिसीविंग पिटीशन, जैसे ही पिटीशन रिसीव होगी कोर्ट या तो प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट करेगा या ऑफिशियल लिक्विडेटर। जैसे अगर उसी पेशी पे कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कंपनी फारग है, उसी वक्त ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा। और अगर कोर्ट ने कहा नहीं अभी थोड़ा तहकीक तफ्तीश कर ले महीना डेढ़ महीना फिर फैसला करेंगे, तो कोर्ट क्या अपॉइंट करेगा? तो प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर में फर्क है, पोस्ट सेम है, काम सेम है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसका काम है आरजी तौर पे। प्रोविजनल मैनेजर का काम क्या है? आरजी तौर पे कंपनी को मैनेज करना। ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम क्या है? कंपनी को खत्म करना परमानेंटली। क्लियर है जी? अच्छा जहां कहा ये प्रोविजनल मैनेजर की जगह पीएम लिखा है तो आप समझ जाएंगे प्रोविजनल मैनेजर है, क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर है, प्रोविजनल मैनेजर इस चैप्टर में। और ओएल का मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर। जो प्रोविजनल मैनेजर की पावर्स होंगी वो सारी पोजीशन तकरीबन वही है ना, सिर्फ आरजी और परमानेंट का फर्क है, तो इसकी सारी पावर्स वही होंगी जो ऑफिशियल लिक्विडेटर की है, अनलेस लिमिटेड बाय कोर्ट। यानी अगर कोर्ट कम कर दे तो प्रोविजनल मैनेजर की पावर ऑफिशियल लिक्विडेटर से कम होगी, वरना अगर कोर्ट अपने ऑर्डर में सिर्फ ये कहता है प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट किया, पावर का जिक्र नहीं होता, तो क्या पावर्स होंगी? सेम जो ऑफिशियल लिक्विडेटर की। बताए इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलिए फिर इसके बाद प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा कहां से? ये कमीशन एक लिस्ट मेंटेन कर रहा होता है, कमीशन ने एक लिस्ट, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक लिस्ट मेंटेन हो रही होती है ना, हमने पढ़ा था, लेकिन वो एक अलहदा बॉडी होती है, वो एक अलहदा बॉडी है, ये भी लिस्ट मेंटेन हो रही है, लेकिन ये कौन कर रहा है? कोर्ट नहीं कर रहा, ये अपॉइंटमेंट कोर्ट करेगा, लेकिन किस लिस्ट में से करेगा? कमीशन ने जो बनाई होगी, और कमीशन ने जो लिस्ट या पैनल बनाया होगा उनके पास कितना तजर्बा होगा? कम से कम 10 साल। किस चीज का? अच्छा खुद सोचे, लिक्विडेशन के लिए, वाइंडिंग अप के लिए कौन सा तजर्बा चाहिए? अकाउंटिंग का तजर्बा चाहिए, लॉ का चाहिए, फाइनेंस पैसों का डील है, खरीदने बेचीजों को खरीदने बेचने का तजर्बा भी चाहिए, तो अकाउंटिंग या फाइनेंस या लॉ, या इसके अलावा कोई और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है तो वो भी चल जाएगा, पर एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, ठीक है, अकाउंटिंग का, लॉ का, फाइनेंस का, या कोई, क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन या एसेट्स को बेचने की स्किल लाजमी नहीं इन्हीं अकाउंटिंग या फाइनेंस या लॉ के एक्सपर्ट के पास हो, दूसरे लोगों के पास भी हो सकते हैं। अच्छा इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है ना, जिसका अभी तक उसने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, वो ये कि लाजमी नहीं प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर एक ही पर्सन हो, वो मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं,
ठीक है, कि एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट हो गया, एक फाइनेंस का एक लॉग हो गया, और एक निगोसिएशन का, सेल परचेज का, सेल परचेज का। इसकी आंखों को देख के बता, यही आता ना दिन में। चलिए आगे चलते हैं। कमीशन में आल्सो रिमूव नेम आफ्टर, हाँ, कमीशन पैनल में नाम अगर ऐड कर सकता है तो, अगर कोई बंदा इनकम्पिटेंट है, अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाता, वो डायरेक्टर के साथ मिलके सस्ते दामों एसेट्स उन्हीं को बेच देता है। भाई बड़ी जब कोई भी आप किसी भी ऐसी पोजीशन पे बैठते हैं ना जिसमें एसेट्स होते हैं, याद रखिए करप्शन का एलिमेंट फौरन क्रिएट हो जाता है, और ये बड़ा बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, एक एक रुपए का हिसाब देना है। बहरहाल, तो इसीलिए कमीशन ने कहा, भाईजान अगर किसी बंदे ने प्रोविजनल मैनेजर को ऑफिशियल लेटर में पॉइंट कर दिया ना, तो वो ये ना समझे ता क्यामत के लिए आ गया लिस्ट में। जो अथॉरिटी लिस्ट में नाम ऐड कर सकती है रिमूव भी कर सकती है, लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दी जाएगी कि बताओ तुम्हारे खिलाफ ये इल्जाम लगा है, तुम डायरेक्टर के साथ मिलके हेर फेर कर रहे हो, हाँ कुछ कहना चाहते हो? वो कहेगा क्या, नहीं, नहीं। आगे चलते हैं हम। पावर, भाई पैनल वाली बात समझ आ गई। इधर कोर्ट ने क्या किया, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, कहां से किया? अच्छा जिन, अच्छा आप बताइए, आगे एक बंदे को अपॉइंट करवाएं कि तीन को? तीन को करवा, तीन को अपॉइंट कर दिया। अब इन तीन की जिम्मेदारी क्या है? देखिए लिंक सेम में रखिएगा ताकि एक कंसेप्ट दूसरा कंसेप्ट जुड़ा रहे। पिटीशन, पिछले कंसेप्ट में पिटीशन आई थी कोर्ट के पास, यहां पे कोर्ट ने प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लेवल को अपॉइंट किया, किस जगह से अपॉइंट किया, और अपॉइंटमेंट के बाद प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर की जिम्मेदारी क्या है? चूंकि ये काम ऐसा है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा होगा और वो उसको डील कर रहे होंगे, तो इसमें खतरा है, इसीलिए उनसे एक सिक्योरिटी बॉन्ड ले लिया जाएगा। उन्होंने कोर्ट में एक सिक्योरिटी जमा करवानी होगी कि सर ये लीजिए हमारी तरफ से सिक्योरिटी है, बंदा गारंटी देता है कि सर मैं कंपनी को बिल्कुल सही तरीके से लिक्विडेट करूंगा, वाइंड अप करूंगा, सारे एक एक रुपए का हिसाब रखूंगा, अगर मैंने करप्शन की तो ये बंदा मेरी जिम्मेदारी देता है, जितने पैसों की करप्शन करूंगा इससे निकलवा लीजिएगा। ये गारंटी, ये सिक्योरिटी दी जाती है, ये बैंक्स देते हैं, अरेंजमेंट होती है, वो अलग कंसेप्ट है। और अगर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है किसी प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर की, वो जमा करवाएगा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंटरेस्ट, देखा बाजू का जज ने केस की समाप्त करने से इनकार कर दिया क्योंकि मुलजिम जो था वो उसकी खाला का बेटा था, ये होता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर कि देखे इंसान है ना ये प्रोविजनल मैनेजर भी ऑफिशियल लिक्विडेटर भी, अगर कोई डायरेक्टर इनका रिश्तेदार हुआ तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये इंडिपेंडेंट होगा लिक्विडेटर के, डिपेंडेंट नहीं है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट हो गया ना, वो हो सकता है डायरेक्टर को फोकस करे। तो अगर इस तरह का कोई रिलेशनशिप है तो वो बताएगा, कौन बताएगा? सर मैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, बराए मेहरबानी मुझे इस बेंच से अलहदा कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा बिल्कुल अच्छा किया, टाइम पे बता दिया, इसको अलहदा करके उसकी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट कर दिया जाएगा। और जितने भी लोग होंगे इन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट और कमीशन की दूसरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी अच्छे प्रोफेशनल तरीके से सारी लिक्विडेशन, क्योंकि कंपनी खत्म हो रही होती है ना, लोगों के एहसास और जज्बात होते हैं, बाज़ वो गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, हाँ जी ये मेरे दादी अम्मा की आखिरी निशानी है, इसको बेचने लगे हैं आप, इस डेस्क पे बैठ के मैंने 20 साल काम किया है, इसको तो ना बेचे। तो लिक्विडेटर्स को समझाएगा भाईजान कोई बात नहीं है, किसी और जगह जाके मजीद 20 साल लगा लें, इसको तो बेचना ही है हमने। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे, क्या करेगा? प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करेंगे। और अदर रिक्वायरमेंट्स कमीशन, अगर एक से ज्यादा लिक्विडेटर पॉइंट होते हैं तो झगड़ा हो जाएगा, कौन सा काम किसने करना है, होगा झगड़ा। कोर्ट शैल डिक्लेयर व्हिच एक्ट विल बी डन बाय वन आर मोर आर, यानी कोर्ट फैसला, जैसे जैसे वो होता था ना F4 बिजनेस लॉ में, पार्टनरशिप में पढ़ते थे कि कौन सा एक्ट पार्टनर की इंप्लॉइड था वो अकेला करेगा, कौन सा फैसला मेजोरिटी ऑफ पार्टनर करेंगे, और कौन से फैसले ऑल पार्टनर करेंगे, नहीं कंसेप्ट होता था ये उसी तरह बचपन, बिल्कुल उसी तरह लिक्विडेटर में, अगर ये एक से ज्यादा लिक्विडेटर पॉइंट हुए हैं तो कोर्ट कहेगा कौन से फैसले अकेला लिक्विडेटर कर सकता है कोई, कौन से मेजोरिटी के बेस पे होंगे, कौन से सारे एग्री होंगे तो फिर करेंगे, और कौन से ऐसे होंगे जो सारे एग्री हुए फिर भी नहीं होंगे बल्कि मेरे पास आना पड़ेगा। एनी डिस्प्यूट शैल बी रेफर टू, अगर इनमें कोई झगड़ा हो जाता है कौन फैसला करेगा, कमीशन के कोर्ट, कोर्ट करेगा जिसने पॉइंट किया है। क्लियर? बहुत आसान कंसेप्ट, क्या कैजुअल वेकेंसी,
भाई डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो सकता है, चीफ ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं बन सकता। कहता है भाईजान ये रिजाइन नहीं कर सकता, डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव रिजाइन कर सकता है, ये रिजाइन एक दफा अपॉइंट हो गया ना सारा काम करके फिर ही घर जाने का, वरना नहीं। हाँ एक केस में इजाजत है इसको रिजाइन करने की, नहीं नहीं मर गया तो ठीक है। पर्सनल डिसेबिलिटी, अगर इसके हाथ पैर टूट जाए, अगर ये अंधा, अगर आंखों से अंधा हो जाए, टांगों से लंगड़ा हो, नहीं नहीं ऐसे समझ थोड़ी है, अच्छा कानों से बहरा हो जाए, ठीक है, आंखों से गूंगा हो जाए, ठीक है, तो अगर पर्सनल डिसेबिलिटी हो जाए उस सूरत में, लेकिन उस सूरत में भी दो शर्तें मजीद हैं। अस्पताल में भी पड़ा होगा ना, वो अभी भी ऑफिशियल लिक्विडेटर है। हाँ उसने इजाजत लेनी है कोर्ट से, कोर्ट से, और जब तक उसकी जगह कोई दूसरा लिक्विडेटर नहीं आता वो अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करेगा, यानी इसको रिजाइन करने की इजाजत नहीं है, ये जहन में रखिएगा। हाँ अगर पागल हो जाए, डेथ हो जाए, फिर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? कोर्ट। कौन फिल करेगा कैजुअल वैकेंसी? कोर्ट फिल करेगा। भैया बात समझ आ गई, रेजिग्नेशन नॉट अलाउड, लिक्विडेटर की या प्रोविजनल मैनेजर की रेजिग्नेशन नॉट अलाउड एक्सेप्ट ऑन पर्सनल डिसेबिलिटी, ठीक है। और अगर अगर पर्सनल डिसेबिलिटी रिजाइन करता भी है तो जब तक वो कोर्ट इजाजत नहीं देगा और सक्सेसर पॉइंट नहीं होता तब तक कंटिन्यू करेगा। हाँ अगर रेजिग्नेशन की वजह से, जो पर्सनल डिसेबिलिटी की वजह से करूँगा, या डेथ की वजह से, या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, फिर कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाएगी, जो कौन फिल करेगा? भाई एक डायरेक्टर दूसरी कंपनी के डायरेक्टर से शादी कर सकता है, तो क्या लिक्विडेटर किसी डायरेक्टर के साथ शादी नहीं कर सकता? तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस आ गया कि नहीं? तो कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई, फिर कौन फिल करेगा? एलिजिबिलिटी फॉर, पर एलिजिबिलिटी क्या है? कोर्ट एक दो चीजें ध्यान में रखिएगा, कोर्ट ने जब लिक्विडेटर को पॉइंट करना है लिस्ट में से उठाना है, एक से ज्यादा लिक्विडेटर को पॉइंट कर सकता है, लेकिन एक लिक्विडेटर मैक्सिमम तीन कंपनीज का लिक्विडेटर बन सकता है इस एट द सेम टाइम, ये ठीक है ना, एट द सेम टाइम, बाद में कंप्लीट करके। हाँ अब सबसे अहम क्वेश्चन, क्या लिस्ट के अलावा जो कमीशन ने लिस्ट लिक्विडेटर को पॉइंट किया जा सकता है? इसका जवाब है, जो लिक्विडेटर उठाना है कमीशन की लिस्ट से उठाना है ना, उस लिस्ट के अलावा किसी और बंदे को लिक्विडेटर पॉइंट कर सकते हैं। अगर क्रेडिटर जिनको टोटल कैपिटल का 60% या उससे ज्यादा पैसे पेएबल हो, वो कहे कि सर हमें इस सरकारी लिक्विडेटर में एतबार नहीं है, ये प्राइवेट लिक्विडेटर अच्छा है, इसने घर के बर्तन भी बड़े अच्छे दामों बेचे हुए हैं, ये हमारी कंपनी के एसेट भी अच्छे दामों बेचेगा, इसको पॉइंट कर देते हैं, तो क्या लिस्ट के अलावा किसी और को पॉइंट कर सकते हैं? किसके कहने पे? क्रेडिटर, कौन से क्रेडिटर? जिनको टोटल पेड अप कैपिटल के या उससे ज्यादा पैसे ड्यू हो। भाई क्लियर? अच्छा खुद बताएं, छोटे छोटे कंसेप्ट थे, कंसेप्ट ज्यादा हैं लेकिन छोटे छोटे हैं और इजी हैं, कोई मुश्किल है? सबसे मुश्किल कंसेप्ट कौन सा था? एलिजिबिलिटी वाला के 60% कैपिटल वाला, कोई भी नहीं था। ये तो आपकी असाइनमेंट बताएगी, फिर फौरन चले जाएं, आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।